Hey guys, welcome back to my channel. तो आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं बास्को सिम्युलेटर और अभी सुबह हो चुका है और मेरे फ्रेंड अभी कार्ट को लेके अपनी जगह पर जा रहा है और मैं उसके पीछे वे ही जा रहा हूँ। आज में थोड़ा बहुत लोगों ने मुझे टास्क देके रखा है, उसे मैं कंप्लीट भी करूँगा और मेरे ये फ्रेंड कितना धीरे से चलता है लेकिन इसका ताकत बहुत है। ये एक हाथ से वो कार उठा लेता है लेकिन जब चोर आता है इसको क्या हो जाता है मुझे पता नहीं, ज़्यादा डर जाता है और चोर के पीछे भागना भी ये भूल ही जाता है। और ये मुझे ख़रीदना पड़ेगा कार्ड के इंक्रीज़ का स्टॉक, अभी नहीं खरीद करेंगे, अभी थोड़ा बहुत पैसा और भी कलेक्ट करना पड़ेगा। और बात करते करते हमारे जगह पर आ चुके हैं और मैंने थोड़ा बहुत चेंजेस भी किया है और भी करूँगा और आज मुझे बहुत सारा पैसे कलेक्ट करना है लेकिन मुझे पता नहीं वो लोग बंदे मुझे क्या क्या देंगे। और ये बोतल भी रख लेता हूँ नीचे, नहीं तो मेरा इन्वेंट्री फुल हो जाएगा। और मेरे साथ एक गैस भी है और एक अगली बेड भी है, इसको मुझे देना पड़ेगा एक बंदे को। मैं सुपरमार्केट में आया था, थोड़ा बहुत इंग्रेडिएंट्स कम पड़ गया था, एक नूडल्स कम्बर किया था, थोड़ा बहुत चिल्ली और थोड़ा बहुत बास्को, और इसको मैं अभी दे देता हूँ। और कस्टमर अभी तक आया नहीं है और मैंने थोड़ा बहुत पैसा भी कमा लिया तो इसको हम दे देते हैं और टास्क के लिए निकलते हैं। तो चिल्ली का स्टॉक ज़्यादा हो गया तो मैं इसके पास में रखता हूँ। और मैंने और ज़्यादा अपग्रेडेशन किया है, एक मैंने टेबल मेरे घर के पीछे ही मिल गया था और एक मैंने खरीद लिया है। साथ हमारे कार्ट में इंग्रेडिएंट्स पूरा दबा के भरा दिया और अभी क्वेस्ट लॉक में मुझे देखना पड़ेगा क्या क्या टास्क है। तो पहला टास्क तो नहीं होगा, बहुत देर लगेगा ये, और दूसरा टास्क या अगली बैच इसको मैं दे के आता हूँ। अभी मुझे फर्नीचर के शॉप में जाना पड़ेगा। मैं फर्नीचर के शॉप में आके दो बेड खरीद लिया और मेरे घर में भी एक बेड है, उसको भी ले लेता हूँ। अच्छा हुआ कि फर्नीचर शॉप हमारा घर के पास में ही था, नहीं तो मुझे और दूर आना पड़ेगा। तो मैंने तीन बेड ले लिया और एक मिक्सी का स्टॉक भी है और अभी उसको ढूंढ के मैं दे देता हूँ। वो शायद सुपरमार्केट में के साइड में ही है, मैंने अगले वीडियो में देखा था। और इसको तीन बेड चाहिए और क्या क्या चाहिए मुझे अभी तक पता नहीं है। इसके पास आके मैंने दो बेड दे दिया और ये लास्ट बेड थे और ये भी चला गया, शायद ये फिर से हमें रात में टास्क देंगे और नेक्स्ट टास्क हमें वो एक रोबोट को 6 लेवल 1 का बैटरी देना पड़ेगा। तो हमारे स्ट्रीट के पास में ही है तो ये बैटरी हम लोग खरीद लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के शॉप में। 6 बैटरी चाहिए लेकिन मेरे इन्वेंट्री में 4 ही है, कोई बात नहीं, मैं बाद में आके 2 लेके जाऊंगा। और ये इतना छोटे छोटे बैटरी है लेवल 1 का, शायद मुझे और भी लेवल का बैटरी बाय करना पड़ेगा उसके लिए। अभी मैं 4 बैटरी लेके उस रोबोट के पास आ गया और उसे पहला बैटरी दे दिया और ये लास्ट बैटरी था, 6 की 6 बैटरी उसके अंदर चला गया। और अभी नेक्स्ट टास्क के लिए निकलते हैं, शायद वो बंदा हम पार्क में ही खड़ा है और यहाँ पर एक बंदे बोला था कि एक भूत निकलता है तो मुझे रात के 12 बजे देखना पड़ेगा। उस बंदे को ढूंढ लेता हूँ। उस रोबोट के पास फिर से आ गया, उसको मैंने रिचार्ज देने के ही भूल गया इसलिए मैं देख रहा था कि मैं इसका टास्क क्यों कंप्लीट नहीं हो रहा है। और हमारे स्ट्रीट में पूरा लोग बैठे हैं तो अच्छा लग रहा है देख के, और थोड़ा बहुत मुझे उनसे टिप भी मिल जाएगा। तो मैं पार्क में आ चुका हूँ और ये बंदे साइड में खड़ा होना चाहिए और हाँ यहाँ पर ही है सुपर मार्केट में के आगे। और ये कितना पैसा लेते हैं मैं देख लेता हूँ, और ये तो बहुत ज़्यादा ही ले रहा है, मेरे पास नहीं है, अभी मुझे और भी कलेक्ट करना पड़ेगा। तो अभी मेरे स्ट्रीट में चलते हैं, क्या कर सकेंगे, और ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत पैसे कलेक्ट करने से ही हो जाएगा। जा रहा हूँ हमारे स्ट्रीट में, मैंने थोड़ा बहुत अपग्रेडेशन भी कर दिया और आपको बाद में दिखाएंगे। और इसको थोड़ा बहुत ड्रिंक्स दे के थोड़ा बहुत टिप भी मिल जाएगा और पैसा भी। और अभी मैं 12,000 LP
कलेक्ट कर लिया हूँ और अभी उसके पास चलता हूँ। और मेरे पास बहुत ज़्यादा ही कॉमन बॉक्स हो गया, मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा हमारा कलेक्शन कॉमन बॉक्स का। और ये रहे बंदा मेरे सामने ही है, तो इसको 10,000 LP दे देते हैं और ये क्या कहे मैं वो भी देख लेता हूँ। अभी मैं इसको 10,000 LP दे दिया हूँ, मेरे पास 2,000 LP बच चुका है और मैं ये देख रहा हूँ कि ये कहाँ जा रहा है। और ये भी शायद मुझे रात में ही टैक्स देगा, मुझे टेम में जाके देखना पड़ेगा, ये तो अपना घर में ही जा रहा है और ये भी मुझे रात में ही टैक्स देंगे। और आज रात तो ये मुझे टैक्स नहीं देंगे, कल के ही रात के लिए वेट करना पड़ेगा और उसको जाने देते हैं और हमारे स्ट्रीट में चलते हैं, थोड़ा बहुत पैसा कमा लेते हैं ताकि वो रात में जो टैक्स देंगे मैं उसे जल्दी से कंप्लीट कर सकूं। स्ट्रीट में आ चुका हूँ तो बहुत सारे बंदे ड्रिंक्स मांग रहे हैं, तो मैं खरीद लेता हूँ, थोड़ा बहुत ही खरीद लूँगा, नहीं तो ये बाद में लेता ही नहीं है, मुझे ऐसे ही रखना पड़ता है। और एक स्टूल और मेरा एक लॉन्ग चेयर चोर ने ले गया, मैं उन लोगों को मारा था लेकिन एक लास्ट पंच मारने से वो भाग गया तो मैं उसे पकड़ नहीं पाया। कोई बात नहीं, मेरे और पैसे होने से मैं खरीद लूँगा। और अभी मैं थोड़ा बहुत ड्रिंक्स भी खरीद लेके उसको सर्व कर देता, मैं बहुत सारा ड्रिंक्स खरीद के उन लोगों को सर्व कर रहा हूँ तो वो लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और थोड़ी देर वेट कर लेता है। तो बहुत ज़्यादा मैंने खरीद लिया था, अभी ख़त्म ही होने वाला है और ये पास मेरे ड्रिंक्स नहीं है वो जो मांग रहा है। और ये चला भी गया हमें डाउन टिप दे के और ये वो ड्रिंक्स मांग रहा है इसको दे देते हैं, मतलब ये पानी ही है, कुआमुआ ऐसा है कुछ इसका नाम है। और एक तो कोक है और दूसरे वाला मुझे इतना जल्दी से नाम पता नहीं। और अभी मैं सबको सर्व कर देता हूँ नहीं तो ये डाउन टिप देके चला जाएगा। और अभी गाइस दूसरे दिन का रात हो चुका है और ये हमारा 3 लास्ट कस्टमर है, तो इसको जल्दी से मेरे फ्रेंड्स सर्व कर देंगे और इसको जूस चाहिए लेकिन ये इसका खाना ख़त्म ही हो जाएगा तो इसको खाने दो जल्दी से और उसके बाद हम लोग रात के टास्क वो लोग क्या देंगे उसे कम्प्लीट करेंगे। खाना थोड़ा ही है और ये हो गया और अभी ये घर चला जाएगा। और मैं अभी रोबोट के पास आ गया और ये मुझे 2 लेवल का बैटरी मांग रहा है तो मैं इसको लास्ट वाला है इसको दे देता हूँ। और इसका भी टास्क हमारा कंप्लीट हो गया है और अभी मुझे उस अगली बेड लेने बंदा को ढूंढना पड़ेगा और उस 10,000 LP लेने वाला उसे भी ढूंढना पड़ेगा। तो मैं इसे चार्ज दे दिया और ये हमें सुबह फिर से हमें टैक्स देगा, तो बहुत देर टैक्स देता है ये लोग, मुझे फिर से देखना पड़ेगा। तो मैं अभी उन दोनों को बंदे को ढूंढता हूँ, वो लोग बोले थे कि मेरे घर के पास में ही रहेगा तो मैं अपना घर चलता हूँ उसके बाद ढूंढने के उन लोगों को। घर के पास आ गया, उसके साइड में ही एक गली थे उसमें ही ये दोनों बंदे थे और उन लोगों का मैसेज पढ़ लिया। और ये मुझे एक स्टोव मांग रहा है और ये भी साइड में ही खड़ा था और ये मुझे वो बोम के साथ जो मिजराज वाला वो शेक था उसके 10 मांग रहा है। तो मैं अभी बोम के शॉप में चलता हूँ और ये 10 खरीद लेता हूँ, ज़्यादा महंगा नहीं है शायद, मैंने देखा था लेकिन अभी मैं भूल गया हूँ। बोम के शॉप में आया था और ये ले लिया जूस, ये क्या है मुझे पता नहीं लेकिन इसको छुपा के ये शॉपकीपर इसे बेच रहा है, तो थोड़ा बहुत शायद अल्कोहल। और इसको मैंने दे दिया ये और ये भी मेरे को शायद सुबह में ही देंगे और ये मुझे थैंक यू भी कह दिया है। और दूसरे बंदों के पास चलते हैं, तो अभी मैं फर्नीचर शॉप में आ चुका हूँ एक स्टॉप लेने के लिए, ये स्टॉप मैं बाय कर लेता हूँ 800 LP का और उस बंदे को मैं देता हूँ और वो भी मुझे सुबह में ही देंगे और इस गली से मुझे नहीं होगा और यहाँ से चलते हैं, पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो ये बंदा इसको मैं दे देता हूँ एक स्टॉप, मैं इसको गैस स्टॉव दे दिया हूँ और ये अपना घर जा रहा है और ये भी मुझे सुबह में ही बात करेंगे तो मैं उन लोगों को देख लेता हूँ। और मैं अभी घर आ चुका हूँ और एक आपको चीज़ दिखाएंगे तो थोड़ा देर वेट करिए। तो मैं घर के भीतर अभी जा रहा हूँ, मेरे तो फ्रेंड इधर पर सो ही गया है पूरा लेट के। और ये मेरा बाथरूम में चलते हैं और मैंने एक वॉशिंग मशीन खरीद लिया, ये मैंने ख़रीदा नहीं था, बाय मिस्टेकली खरीद लिया हूँ। और ये ओल्ड वॉशिंग मशीन है 800 LP का, तो ये काम भी नहीं करता है, क्या है मुझे पता नहीं,
अभी इसे रख ही देते हैं, बाद में मैं इसे बेच दूंगा, नहीं तो फेंक देंगे। और यहाँ पर मेरे कॉमन बॉक्स का कलेक्शन देख लो, इतना सारा है। मुझे बूम खरीदने के लिए अभी पैसा कलेक्ट करना पड़ेगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जाके जरूर से बता देना। तो और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। आज के लिए इतना ही। टिल देन वॉच टिक्स गेमिंग शाइनिंग आउट।